ये ट्यूब होनी चाहिए आपके पास, इसको टाई लगा के इसके साथ ही बांध देंगे। तो ये चेक जैसे ऑन करेंगे आएगा। यस इसमें कितना टाइम लगेगा? टोटल 3 मिनट का टाइम लेता है। टोटल कनेक्ट टेस्ट ट्यूब इंस्पेक्टरी एक्सपेक्ट, ये कनेक्ट करेंगे इसको, यहाँ से पकड़ के लगाना है। ये प्लास्टिक का हो जाए, ये टूट जाए। ठीक है, एडल्ट वाला दे, एडल्ट वाला है नीचे। अभी बताएंगे। थ्री मिनट की प्रोसेस है, ये चल रही है। ये तो फेल लगाया है आपके सर। ये ना ऑक्सीजन प्योर क्या है, प्योरिटी ऑक्सीजन सेंसर को 96% से है, लेकिन वो प्योर नहीं होगी सर, मैं बता रहा हूँ। प्योरिटी जनरेटर लगा है, उसमें प्योरिटी का मीटर लगा हुआ है, वो शो करता है। अगर आपको ये डाउट क्लियर करना है ना, आप सिलेंडर कनेक्ट करवाओ, उनको बोलो उसको बंद कर दे, सिलेंडर कनेक्ट करो। तो हमारा 1.5 करोड़ का लगाया है, तो अरे वो कैंसिल करेंगे। हाँ अगर ये ओ2 फेल होता है तो वेंटिलेटर हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है, वैसे तो पास होगा अगर अपना दूसरा वाला सिलेंडर लगेगा तो ना, तो पास हो जाता है। 97 बोल रहे हो तो कम ही है, वो चलेगा। इसको चाहिए 96% प्योर। अगर वो आप क्लियर करना है तो आप सिलेंडर कनेक्ट करो, पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे आपको बोलता है ये प्लीज अनप्लग पावर कोड, हमने इसको ठीक प्लीज इंसर्ट पावर, हाँ ठीक ऑन कर देना है। ठीक है, आगे बैटरी का स्टेटस कनेक्ट पेशेंट कनेक्ट पेशेंट सर्किट, ये ब्लॉक ही है, इस पे पास कर सकते हैं। ठीक ओके, इसकी लास्ट वाले में हम इसको निकालेंगे। नहीं, वो दो ऑप्शन होते हैं, पेशेंट सर्किट टेस्ट है, हम इससे ही पास करते हैं, सर्किट से ही पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इससे पास कर रहे हैं ना, अनब्लॉक बोल रहे हैं, यहाँ से हटा दो। ठीक है, कंप्रेसिबल कंप्रेसेट कंप्रेसिबल वॉल्यूम, इसको नो, अगर हम ये वाली ट्यूब लगा रहे हैं ना तो इसको नो करना है, इससे अगर हम पूरा टेस्ट पास कर रहे हैं। ठीक, और सर्किट से कर रहे हैं तो उसमें हमने यस करना है, यस करना है, टेस्ट पास। ओके ठीक है, ठीक है। अभी इसके लिए टेस्ट लगा दिया, हाँ भैया
टेस्ट लंग वो रहा टेबल पे रखा। ये ना अभी अडल्ट पे चल रहा है ठीक, इसको हम वापस स्टैंड बाई में जाएंगे, हमने इन्फेंट यूज करना है, इन्फेंट पे करेंगे ठीक है। जो भी मोड हमें सेलेक्ट करना है वो यहाँ से टच करेंगे, जैसे SIV प्रेशर कंट्रोल पर प्रेशर स्पोर्ट टच किया, यहाँ से एक्सेप्ट किया, मोड जो यहाँ पे होगा यहाँ पे इन्फेंट बच्चा बना हुआ है तो इन्फेंट पे चल जाएगा, यहाँ पे अडल्ट का साइन आया ऐसे वाला ठीक है, मीन्स अडल्ट पे है तो हमें इन्फेंट पे रखना है ठीक है। स्टार्ट रहेगा वो सेटिंग्स तो पहले ही क्लियर हो गई थी, वहाँ से वेरिफिकेशन हो गया था वो 3 मिनट वाला, अब हमने स्टार्ट कर दिया इसको। ये वाले अलार्म हमें बहुत मिलेंगे, एक्सपायरी मिनट वॉल्यूम लो हाई ठीक है, अलार्म प्रोफाइल में जाकर देखो ये 2 है ये 5 है, इनके बीच में वैल्यू रहेगी तो अलार्म नहीं आएगा, ये 2 से नीचे है ना तो इसको बिल्कुल लो कर दो अलार्म चला जाएगा ठीक है। ये हम यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं ठीक है, और यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से हमें करने के लिए ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये अपना करना पड़ेगा, फिर एक्सेप्ट करके फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा ठीक ठीक है, वहाँ से कर दिया तो एक्सेप्ट भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ यहाँ से सीधा करो सीधा हो जाए अपना ये वाला सिस्टम और ये ठीक है, इसको प्रेस किया ठीक है, स्टैंड बाई फिर मुझे हम अब हमें वेरिफिकेशन दोबारा से करना पड़ेगा या वही वेरिफिकेशन आपको स्टैंड बाई में छोड़ो टेस्ट पास करके तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आपको टेस्ट पास करने की जरूरत है ठीक, लेकिन जब हम इसको शुरू से ऑन करेंगे तब हमें टेस्ट पास करना पड़ेगा। आपको 10-15 दिन हो गए वारंटी यूज नहीं किया है, वो खड़ा है उसके बाद यूज करना है तो एक बार कोई चेक चला लो ठीक। कैप यहाँ लगाइए, ये वाला हिस्सा आप माइक्रोकोल से कवर कीजिए इतना पॉइंट ठीक, इसके अंदर पानी वगैरह कुछ नहीं डालना चाहिए, माइक्रो यहाँ से साइड एक्स डालेंगे वो पिए 10 मिनट के लिए रखेंगे, यहाँ से निकालेंगे साइड एक्स निकल जाएगा, फिर ट्यूब लेनी है डिस्पोजेबल ट्यूब या बड़े वाली ट्यूब, जैसे लगाएंगे माइक्रोकोल लगा ही रहना चाहिए, इसको वाटर टैप में लगा देंगे, वहाँ नल खोलेंगे तो पानी अंदर अंदर से जाएगा 10 मिनट के लिए ठीक है, 10 मिनट के बाद इसको हमें आराम से निकालना और ऐसे करके रख देना है इसको सूखने के लिए 24 आवर्स के लिए ड्राई करके देंगे, 24 आवर्स के बाद हम ऐसे ड्रॉप को झाड़ देंगे, अगर पानी की ड्रॉप आ रही है तो फिर सुखा लेंगे, अगर ETO हो जाएगा तो ETO का तो बेस्ट है, ETO हो जाएगा वो नहीं नहीं ETO तो लगाना चाहिए ना, करना चाहिए ना, चलो ऑटोक्लेव नहीं है कम से कम ETO, ऑटोक्लेव तो महंगा होता है, ETO तो कर सकते हैं, ETO तो हर जगह लगा है, अगर होगा पता नहीं होगा देंगे या पीछे से करेंगे, ये स्टैंड बाय में डाल दिया, स्टैंड बाय में डाल दिया, फिर पीछे से ये है ना स्विच, ये यहाँ इधर ये यहाँ से लॉक है ना, ये देखो जैसे ऑफ करेंगे ना ये खुला रहेगा, ऑन करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, जैसे ये ऑफ किया ये खुला रहेगा, ऑन किया अभी बंद हो गया, देखो बंद हो गया, यहाँ से ऑन करेंगे ये अपने आप बंद हो जाएगा, इससे ये होता है कि कोई बीच में इसमें इसकी लीड है, इसमें ये फिल्टर लगा है, खुल जाएगा, ये फिल्टर निकाल के झाड़ लो या पानी से धुल लो, 10 मिनट में सूख जाएगा, फिर लगा के फिर बंद कर दो ठीक ठीक। प्री चेक करना है तो एस कर दो, नहीं करना है तो नो। डू यू वांट टू डिलीट पेशेंट डाटा ट्रेंड्स एंड इवेंट लॉग, नो। अभी स्टैंड बाय में स्टैबिलाइजेशन करना है तो उसका अच्छा बाई रुक जाए, अभी तो एडल्ट पे आ गए, अच्छा सर जी बाई डिफॉल्ट एडल्ट पे ही चला जाएगा क्या, बाई डिफॉल्ट एडल्ट पे ही जाएगा, फोन करेगा एडल्ट पे जाएगा, अच्छा तो ये तो हाँ इसको कंप्लीट कर दो जो न्यू पे ही जाए पहले, तो जल्दबाजी में
अब नहीं हो रहा यार। देखो एडल्ट इन्फेंट दो मोड है ना, जब एडल्ट लगाओगे तो इस पर पीडियाट्रिक भी चलेगा और इन्फेंट किया है इन्फेंट चलेगा, अब केवल स्टार्ट वेंटिलेटर वेंटिलेशन करना। एडल्ट पे तो नहीं चलेगा इधर से, इसको कम करना है ना, इसको अलार्म को जाना है, नहीं 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 इसमें जाना है, इधर आना है फिर इसको लो की गाता कम करो कम करो कम करो और कम करो और कम करो और कम करो 15 बस ये यहाँ सब सब करना पड़ेगा ना। हाँ बोलो बोर्ड तो होगा।